उसके ये बताता था क्योंकि गाड़ी लेके आता था वो, और गाड़ी अलग अलग अगर कभी लाता था, मैंने उससे कभी इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी कभी आज ये ला रहे हैं, कभी वो ये लाए हो, तो कहते थे कि गाड़ी हमारे भाई की है इसलिए वो गाड़ी मैं लेके आता हूँ। कभी कभी भाई लोग भी आते हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक नहीं उन लोगों से कभी मिलने का। ये ताला बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के साले सद्दाम के रेंट वाले घर में लग रहा है। बरेली पुलिस ने आज उस घर को सील कर दिया जिसमें अशरफ अहमद का साला बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए के मकान में चोरी छुपे रह रहा था। बताया जा रहा है कि सद्दाम लगभग 3 साल से दूसरों के नाम पर किराए के मकान में रह रहा था। इतना ही नहीं, यहीं पर बाकी लोगों को बुलाकर वो मीटिंग भी किया करता था। जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो आनंद फानन में भारी पुलिस बल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सद्दाम अभी भी फरार चल रहा है। वहीं इस पर मकान मालिक ने और जानकारी देते हुए बताया, ये मुश्ताक नाम का आदमी कोई आया था यहाँ पर, एजेंट था, एजेंट के पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि इनको घर चाहे, घर की ज़रूरत है, ये रहना चाहते हैं फैमिली के साथ। तो कई बार वो आए, हमने मना किया, हमने कहा फैमिली को लेके आओ, लेकिन जब वो कई बार आया और उन्होंने अपने बताया कि हम निगम से काम करते हैं, निगम से हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ये रोड बनाते हैं, हमारा ये काम है, तो उनको हमने फिर दे दिया था ये मकान रहने के लिए, लेकिन वो रहने नहीं, वो नहीं रहे यहाँ। दिया उन्होंने अपने लिए लेकिन रखा किसी और को। जब हमने उनसे पूछा तो बोले ये हमारे रिश्तेदार हैं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, और इसके जिम्मेदार हम हैं और ये रह रहे हैं यहाँ पर, बस ये इतना मालूम था। कितने सालों से रह रहा था? कितने 3 साल से तो रह रहे थे वो। अच्छा, क्या फैमिली लेके महिलाएं भी आती थी यहाँ कभी कभी? एक टाइम मेरा इत्तेफाक हुआ ऐसा, मैं आया था किराया लेने के लिए, तो वो निकल रहा था, बोला था कि मैं अपनी फैमिली को लेके कहीं जा रहा हूँ, अभी भी फैमिली आई हुई मेरी वहाँ से इलाहाबाद से। बताया जा रहा है कि यहाँ इलाहाबाद के लोग आते थे, काफ़ी उल्टी सीधी गतिविधियाँ रहती थी। क्या किसी ने बताया नहीं आपको कि आपके मकान में बाहर के लोग आ रहे हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं? नहीं, उसके ये बताता था क्योंकि गाड़ी लेके आता था वो, और गाड़ी अलग अलग अगर कभी लाता था, मैंने उससे कभी इत्तेफाक हुआ कि गाड़ी कभी आज ये ला रहे हैं, कभी वो ये लाए हुआ, तो कहते थे कि गाड़ी हमारे भाई की है इसलिए वो गाड़ी मैं लेके आता हूँ। कभी कभी भाई लोग भी आते हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक नहीं है उन लोगों से कभी मिलने का, या क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। पैसा हमेशा कैश में दिया या कभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में? पैसा तो उन्होंने कैश में दिया, अभी 3 महीने किराया मेरा बाकी है। तो अभी 3 महीने का किराया भी बाकी था और इस कांड का खुलासा हो गया। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। इस कार्रवाई को लेकर SP सिटी बरेली का कहना है, हम बरेली में फाइक एनक्लेव में खड़े हैं, जहां पे ये सामने घर है जहां अशरफ का साला सद्दाम रहता था। 2.5 साल तक उसने यहां रह के अपनी गतिविधियां चलाई हैं, अब वो पुलिस के रडार पे है। हमारे साथ हैं SID जो गठित हुई है, उसके हेड राहुल भाटी SP सिटी साहब हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का नेक्सस था, आज ये मकान है, क्या चेक करने आए हैं? देखिए, कुछ दिन पूर्व थाना भीतरी चैनपुर स्थित जेल में एक अभियुक्त माफिया निरुद्ध है अशरफ, उसके विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से फर्जी ढंग से बिना किसी पर्ची के लोगों को मिलवाने के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त था सद्दाम और लाला गद्दी, तो सद्दाम नाम का जो अभियुक्त था वो फाइक एनक्लेव पीलीभीत रोड स्थित बरेली के एक मकान में रेंट पर रहता था, जिसमें मकान मालिक द्वारा एक तहरीर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया कि वो गैर कानूनी तरीके से बिना एग्रीमेंट के उसमें रह रहा है। उसी संबंध में आज विवेचक द्वारा उस फ्लोर को सीज किया गया है और फाइक एनक्लेव स्थित अन्य व्यक्ति जो किराए पर रह रहे हैं या गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनका एक कंप्लीट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह से इस रडार से छूट ना पाए। आज भी आपने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, वो कौन लोग हैं और उनकी क्या भूमिका है? देखिए, आज 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, टोटल अभी तक इसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है, विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही जो शेष अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवा ली जाएगी। जेल में किस तरीके का नेक्सस काम कर रहा था, क्या बताया जा रहा है, शूटर्स भी यहाँ के मिले, इसमें कोई लीड मिली है अभी? देखिए, पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कई मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, विभिन्न टीमें काम कर रही है, उसी प्रकार से बरेली की टीम भी काम कर रही है, जल्द ही जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवा ली जाएगी। देखा गया है आपने विगत दो दिन में आपने होली के बावजूद भी लगातार गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, अभी किन मुख्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है और कौन फरार हैं? देखिए, मुख्य रूप से सद्दाम और लाला गद्दी जो मुख्य अभियुक्त हैं वो फरार चल रहे हैं, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवा ली जाएगी, इस संबंध में टीमें गठित की गई है जैसा कि आपको बताया गया है। सद्दाम और लाला गद्दी का किस तरीके का रोल निकल के अभी तक आ रहा है? देखिए, इनका जो मुख्य रोल है ये
इनके मीडिएटर्स की तरह थे जो लोगों को मिलवाते थे, खुद भी फर्जी ढंग से जेल में मिलने का कार्य करते थे। ये थे एसपी सिटी राहुल बाड़ी जी, जो एसआईटी के भी हेड हैं। इनका कहना है कि जल्द ही जो गुनहगार हैं वो कानून की गिरफ्त में होंगे और ये केस जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। मैं कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक।